लाजवाब। हमारे बड़े भैया है दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे स्नैक क्रैश के मुजफ्फरपुर यूट्यूब चैनल पे। और अभी अभी हम लोग अघोरिया बाजार आए हैं और यहाँ से कॉलिंग था कि इनका कोई सांप छुपा, लेकिन पता नहीं विशाला सांप या विशेष सांप है। सर्च करने के बाद ही मुझे पता चलेगा। चलिए सर्च कर कर देखते हैं। तब तक आप लोग मेरे वीडियो पर बने रहे। वीडियो पसंद आए तो हमारा यूट्यूब चैनल स्नैक क्रैश के मुजफ्फरपुर को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही बेजुबा जानों का जान बचाया जा सके। और यहाँ पर बहुत काफ़ी पोस एरिया है, इसलिए यहाँ पे जो है कुछ सांप को निकाल कर जंगल में छोड़ना ही हम लोग के लिए ज़रूरी है। आइए देखते हैं आखिर क्या चीज़ है। सत श्रीकाल पाजी, किधर इस एरिया में है और बहुत सारा कचरा भी है। चलिए सबको जो है किसी एक एक करके हटाया जाएगा। और आप अपने आदमी को थोड़ा बुला दीजिए मेरे पास यहाँ पे। चलिए सुनील जी आ जाइए। हमसे बात हुआ है, टेंशन नहीं है। क्या कहा है? बोला है कि उस समय बाद में किसी के छाते की छाते पकड़वा दी। ये आज मुझे भी कंफ्यूज कर रहा है। एक मिनट आप लोग शांति रहे। Oh my God, लाजवाब। ये देखिए सुनिए। Oh my God, लाजवाब। ये देखिए सुनिए जी, तो लाजवाब गजब का। Oh my God, लाजवाब। हाँ हाँ, और बिना समय गवाए हम लोग को स्टिक से काम करना होगा। वो स्टिक दीजिए, नहीं तो फिर अंदर चला जाएगा, तो ये कचरा जो है कि आप हमको उठाने के लिए विवश करेंगे। नहीं भाई, कोबरा कोबरा, बिग साइज का कोबरा। ओह माय गॉड, लाजवाब। नहीं नहीं ऐसा कुछ है। चलिए ये देखिए काफी बिग साइज का। हाँ हाँ चलिए। जो आदमी को काट ले वो दो घंटे के अंदर में अगर सही उपचार नहीं होता है तो मौत निश्चित है। इसलिए ये सब कहीं भी बाइक करे तो कहीं भी होदा गुनी झाड़ फूक के पास जाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट जो है
प्रभात तारा हॉस्पिटल ही आप लोग पहुँच। हाँ उसमें कोई हाँ, क्योंकि ये सब काटेगा तो किसी को भी काटेगा, आप जाते हैं तो मोस्टली हमारे बड़े भैया है इसको सही सलामत इसको रेस्क्यू कर लिया गया और इसको सही सलामत हम लोग जंगल में जाकर छोड़ देंगे। वीडियो मेरा पसंद है तो हमारे यूट्यूब चैनल एफ्रेक रेस्क्यू मुजफ्फरपुर लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसे ही बेजुबा जानों का जान बचाया जा सके। फिर मिलते हैं ऐसे ही रोचक और खतरनाक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।